तो हैप्पी न्यू ईयर विश करना या मनाना कैसा है? वैसे तो हमारे इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल मनाना जायज़ है, ईद और बकरा ईद। और हमारा जो न्यू ईयर है वो होता है, हम उसको हम कहते हैं मुहर्रम की पहली तारीख जो होती है उसको हम अपना इस्लाम में, हमारे लिए वही हमारी न्यू ईयर है जो कि अब 18 जुलाई 2023 को आएगी। अभी आई नहीं है हमारी न्यू ईयर, जो अभी आई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सच ये भी है कि हर मुसलमान अंग्रेजी तारीख पर ही चलता है और उसी को याद रखता है। अगर किसी से पूछा जाए कि आज चांद की कौन सी तारीख है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि आज कौन सी तारीख है चांद की। बहुत सारे लोग अंग्रेजी तारीख ही बताएंगे, बाकी यहाँ तक कि सारे लोग ही अंग्रेजी तारीख बताएंगे। तो ये तो सही है कि हम इस डेट पर ही चलते हैं, इस डेट को ही मानते हैं। अब आता है कि न्यू ईयर पर हम सेलिब्रेट करें या मतलब उसको कैसे सेलिब्रेट करें, करें या नहीं करें। तो अगर आपको ये यकीन है कि इस साल में जो आपका साल चला गया है उसमें आपने, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी है जो आप उसे, अल्लाह ना करे आप जहन्नुम में जाओ, आपने सारी नेकियां करी हैं, आपसे एक भी रत्ती भर भी आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, तो आप अपनी 2023 को अच्छे से सेलिब्रेट करो, उसमें खुशियाँ मनाओ आप, और सोचो कि हाँ 2022 में मैंने एक भी रत्ती भर भी बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल ज़ीरो भी मैंने बिल्कुल गलती नहीं करी है, बिल्कुल भी गुनाह नहीं करे हैं। तो आपका हक है कि हाँ 2023 में सेलिब्रेट करो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है ना, थोड़ा सा भी एहसास है इस चीज़ का कि आपने 2022 अपनी बुरी तरीके से गवा दी, गुनाहों में, तो आप अपना न्यू ईयर इस तरीके से सेलिब्रेट करें, नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें कि जो 2022 तो चला गया, हर साल मेरे से ऐसे ही चला जाता है गुनाहों में, अल्लाह ताला 2023 में मुझे हिदायत दे, मुझे नमाज़ की तौफीक दे, रोज़े की तौफीक दे, ज़कात की तौफीक दे, हर एक नेकी की तौफीक दे। इस तरीके से आप अपना ये 2023 ज़रूर सेलिब्रेट करें। जज़ाकअल्लाह।